गुजरात के चुनावी मैदान में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हर तरफ से भाजपा और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए हर रोज एक नए मुद्दे पर पीएम मोदी के ऊपर सवाल दाग रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने शायराना अंदाज में पीएम मोदी को शिक्षा व्यवस्था पर घेरा है। राहुल ने पूछा कि महंगी फीस के साथ कैसे पूरा होगा न्यू इंडिया का सपना। ट्वीट बम का सिलसिला जारी रखते हुए पहले तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरातियों पर बढ़ रहे कर्ज और लोगों को मिल रही महंगी बिजली पर बीजेपी की पोल खोली। इसके बाद गुजरात मांगे जवाब के साथ राहुल गांधी ने शनिवार को भी पीएम मोदी पर ट्वीट बम फोड़ा। वहीं राहुल ने इस बार शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाकर पीएम को अपने सवालों के चक्रव्यूह में घेरा है, लेकिन इस बार राहुल ने जो सवाल दागा वो बेहद ही अलग अंदाज में था। राहुल ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी से पूछा कि सरकारी स्कूल कॉलेज की कीमत पर किया शिक्षा का व्यापार, महंगी फीस से पड़ी हर छात्र पर मार, न्यू इंडिया का सपना कैसे होगा साकार। इस शायराना सवाल के साथ ही राहुल गांधी ने गुजरात में शिक्षा की हालत भी बताई। राहुल गांधी ने दावा किया कि शिक्षा पर खर्च मंच गुजरात देश में 26वें स्थान पर क्यों, युवाओं ने क्या गलती की है। राहुल ने शिक्षा व्यवस्था पर घेरने से पहले पीएम मोदी को बिजली का झटका दिया था। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल ने दावा किया था कि 1995 में गुजरात पर 9,183 करोड़ का कर्ज था, जो 2017 में बढ़कर 2,41,000 करोड़ हो गया है। बिजली के साथ साथ राहुल ने गुजरातियों पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला था। वैसे गुजरात मांगे जवाब के साथ राहुल पीएम पर सवालों के बार तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस रणनीति से पार्टी को कितना फायदा मिलता है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।